This video is the last part of this paper in which we discuss section D and section E. Section D contain two case based problem, question number 29 and 30. तो क्वेश्चन नंबर 29 में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग चलते हैं सीधे इसके क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं और इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी फोर इन टू सिचुएशंस। इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये डी ब्लॉक से है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी फोर का कॉन्फिगरेशन आपको लिखना है दो कंडीशन में, एक जब डेल्टा ओ की वैल्यू बड़ी होगी पेयरिंग एनर्जी से, और एक बार जब पेयरिंग एनर्जी बड़ा होगा डेल्टा ओ से। तो यहाँ पे किसी एक के सेंस में आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट अपना सेट कर लेना, उसी से आंसर आपको लिखना है। तो या तो आप पेयरिंग एनर्जी से अपना कॉन्सेप्ट सेट कर लो या फिर डेल्टा ओ से। तो मैं आपको डेल्टा ओ से बता रहा हूँ। डेल्टा ओ क्या होता है, जब डी जनरेट डी ऑर्बिटल को आप दो पार्ट में ब्रेक कर देते हो, मीन्स व्हेन इट इज ब्रोकन इनटू टी टू जी एंड ई जी। तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसी को हम लोग डेल्टा ओ बोलते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी कि नहीं होगी वो डिपेंड इसी एनर्जी पे करता है। तो अगर यहाँ पे इनके बीच में एनर्जी गैप आप रखते हो ज्यादा, जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट होके ईजी में नहीं आता, इसलिए क्या होता है टी टू जी में आप कर देते हो पेयरिंग। यानी डेल्टा ओ बड़ा रहेगा तो आपको पेयरिंग करनी है, और जब डेल्टा ओ की वैल्यू कम रहती है तो टी टू जी और ई जी के बीच में गैप बहुत कम रहता है, इसलिए तीन इलेक्ट्रॉन टी टू जी में फिल होने के बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके आ जाता है ई जी में, मतलब वहां पेयरिंग नहीं होती। तो अपना कॉन्सेप्ट अब सेट कर लेना, अगर डेल्टा ओ बना रहा तो आपको पेयरिंग करानी है, और अगर डेल्टा ओ की वैल्यू कम रहेगी तो आपको पेयरिंग नहीं करानी है। अब यहाँ पे लिख लीजिए इसका कॉन्फिगरेशन, डी फोर के लिए लिखना है मतलब कि इलेक्ट्रॉन कुल आपके पास चार है, यहाँ पे डेल्टा ओ बड़ा है, डेल्टा ओ बड़ा रहेगा तो आपको पेयरिंग करानी है, इसलिए आप लिखोगे टी टू जी में फोर इलेक्ट्रॉन और ई जी में जीरो, ये पहले का हो जाएगा। दूसरे में डेल्टा ओ छोटा है, डेल्टा ओ छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन हाफ फिल टी टू जी करने के बाद प्रमोट होगा ई जी में, इसलिए टी टू जी में लिखोगे थ्री, ई जी में लिखोगे वन, ये इसका हो गया कॉन्फिगरेशन। इसका बी पार्ट है, वाई इज टेट्रा कार्बोनिल निकल सेकेंड टेट्राहेड्रल, वाई टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड इज स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर होता है तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, कि हाइब्रिडाइजेशन ये क्या शो कर रहा है। तो टेट्राहेड्रल के लिए हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, और इसके स्क्वायर प्लेनर के लिए आता है dsp2। तो इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि इन दोनों केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो यही होगा, sp3 और dsp2। ये कैसे होगा चलो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका आते हैं फर्स्ट वाले का, ये है टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो। तो टेट्रा कार्बोनिल मतलब निकल के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होगा CO ग्रुप 4 times, और जीरो होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके ऊपर कुछ होगा नहीं, तो निकल यहाँ पे जीरो स्टेट में है। तो कॉन्फिगरेशन लिखोगे 28 का तो आएगा 3d8 और 4s2। अब d में 8 इलेक्ट्रॉन है और s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, जब कार्बोनिल ग्रुप आता है यहाँ पे निकल के साथ बाइंड होने के लिए, ये प्रमोट करेगा एस के दो इलेक्ट्रॉन को डी में, इसलिए क्या हो जाएगा डी में हो जाएंगे कुल 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4s हो गया खाली, तो 4s और 4p के ऑर्बिटल को वो यूज करता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो एक s का और 3p का ऑर्बिटल ये कार्बोनिल यूज करेगा, इसलिए यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है sp3, इसलिए इसका जो शेप होगा या ज्योमेट्री होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। अब यही काम आपको चेक करना है टेट्रा साइनाइडो निकलेट सेकेंड के लिए। यहाँ पे टेट्रा साइनो है इसलिए लिखोगे निकल के साथ CN 4 times, और यहाँ पे लिखा हुआ है निकलेट सेकेंड, तो अभी केवल CN यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तो इस निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4। यहाँ पे +2 लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे 2 नेगेटिव होना चाहिए, तो ये इसका है कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे निकल 2+ स्टेट में है तो इसलिए अगर ग्राउंड स्टेट का कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो आएगा 3d8 और 4s2, और निकल 2+ की कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे तो ये 4s का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बाहर, कॉन्फिगरेशन होगा केवल 3d8। अब 3d8 का मतलब d में आपको लिखना है कुल 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी यहाँ पे 2 डी ऑर्बिटल हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब यहाँ पे 4s खाली है और 4p भी अभी खाली, तो जब CN इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो इट इज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड।
सो इट काजेज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए डी का जो एक इलेक्ट्रॉन है इधर आके पेयरिंग कर देगा और ये हो जाएगा खाली। तो एक डी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल, ये चार जो ऑर्बिटल होंगे उसको सीएन यूज करेगा अपने इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन के लिए। यानी यहाँ पे जो लिगेन के चार पेयर आएंगे वो डी एस पी टू में आएंगे, इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो डी एस पी टू होता है, जिसका ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लेनर, इसलिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ये शो करता है। चलिए चलते हैं इसके सी पे। इसका सी पार्ट है, यूजिंग क्रिस्टल फील थियरी कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ऑफ Fe(F6)-। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहाँ पे आएगा +2। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट बताने के लिए चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पहले इसका कॉन्फिगेशन कर दो। जब ये आपका होगा ग्राउंड स्टेट में तो कॉन्फिगेशन होगा 3d6 और 4s2, और जब Fe2+ स्टेट में आएगा तो इस s का दो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, मतलब ये है 3d6। 3d6 में जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आप दिखाओगे d ऑर्बिटल के अंदर, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मीन्स आयरन 2+ कंटेन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ पे n का काउंट होगा 4। और मैग्नेटिक मोमेंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू। यहाँ पे एन की वैल्यू जब आप यूज करोगे 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 × 6, मीन्स √24 बोर मैग्नेटॉन्स इसका हो जाएगा आंसर। इसी का आर वाला पार्ट दिया हुआ है, CuSO4.5H2O इज ब्लू इन कलर वाइल CuSO4 इज कलरलेस वाइट। तो जो आपका कॉपर सल्फेट है वो है एनहाइड्रस, मतलब जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है, एंड दिस वन कंटेन वाटर, एंड वेन वाटर प्रेजेंट विद कॉपर सल्फेट देन द वाटर बिहेव एज अ लीगेंड, मतलब इसके साथ लीगेंड प्रेजेंट है। और आप जानते हो कि जब सेंट्रल मेटल के साथ लीगेंड अप्रोच करता है वो क्या करता है, डी ऑर्बिटल जो डीजनरेट होता है उसको दो अलग अलग ग्रुप में ब्रेक कर देता है, मतलब हो जाता है डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। और इस वजह से जो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शो करते हैं डी डी ट्रांजिशन, और इसी डी डी ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है आ जाता है कलर। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीगेंड इन कॉपर सल्फेट हाइड्रस इट बिहेव एज अ लीगेंड एंड कॉजेज डी डी ट्रांजिशन एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इम्पार्ट ब्लू कलर व्हाइल दिस वन नॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। इन पेपर्स को सॉल्व करने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको हर एक प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या होगा वो सोल्यूशन आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे जिस टॉपिक से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स होते हैं उनका मैं आपको की पॉइंट केवल देता हूँ, अगर किसी टॉपिक पे आपको डिटेल में कोई आंसर चाहिए तो आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी शॉर्ट में चल रही होंगी, इसलिए आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो ये रिक्वेस्ट आपसे है कि आप लोग कमेंट जरूर करोगे, उसमें मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा। आप इसको देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो यहाँ पे फिर एक स्टेटमेंट है और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है, तो चलिए हम लोग सीधे इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं, जिसमें पहला प्रॉब्लम है, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन। अब आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट अगर बताना है तो सबसे पहले आपको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। आप यहाँ पे चेक कर लो कि जो पोटेंशियल दिया गया है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो नहीं है, क्योंकि सारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सब रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन से आपको पता चलेगा, I2 0 से माइनस में गया, मतलब रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन, यानी कि ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। तो अब आप जानते हो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है वो उतना ही आसानी से होता है रिड्यूस, और जो रिड्यूस होगा वो बिहेव करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे बताना है कि सबसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो उसके लिए आपको चेक करना होगा कि कौन कितना आसानी से रिड्यूस होगा, और जो जितना आसानी से रिड्यूस होगा उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव होगी। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू जो देख लो वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पॉजिटिव वैल्यू आपको दिख रहा है Mn3+ का, तो आपको लिख देना है यहाँ पे स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन है, Mn3+। इसमें बी पार्ट है, Mn3+ इज नॉट स्टेबल इन एसिडिक मीडियम व्हाइल Fe3+ इज स्टेबल व्हाइल। तो यहाँ पे क्या होगा, जब किसी भी मेटल को डालते हो आप किसी भी एसिड में, तो मेटल क्या करता है उस एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है,
और एसिड से हाइड्रोजन का रिलीज होना, मतलब रिएक्शन कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब ये जो मेटल होगा वो इस एसिड का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। और ऑक्सीडेशन कराने वाला कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे Mn है, अभी आपने पहले में बताया। मतलब ये एसिड में आसानी से क्या करेगा, एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए ये अनस्टेबल रहता है। लेकिन आयरन में क्या होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा कम है, इसलिए Mn के कंपेयर में आयरन थोड़ा सा ज्यादा एसिड में स्टेबल रहेगा। चलिए इसका सी पार्ट है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, इसका EMF बताना है। और EMF आप लोग क्या लिखते हो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही आपको करना है। मतलब सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि इसमें कैथोड कौन है और एनोड कौन है। आप जानते हो कि जो एनोड होता है वो ऐसा कुछ होगा जिसका ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड का क्या होता है, रिडक्शन। तो जो भी मटेरियल बिहेव करेगा एज अ कैथोड उसका रिडक्शन होना चाहिए, एंड द मटेरियल विच बिहेव एज अ एनोड अंडर गो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्लोरीन, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी जीरो है, क्लोरीन जब के सी एल में कन्वर्ट होगा तो सी एल का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। ये जीरो से -1 में जा रहा है, मतलब इसका हो रहा है क्या, रिडक्शन, यानी कि जो Cl2 है वो रिड्यूस हो रहा है। और के आई से I2, I यहाँ पे -1 है, यहाँ पे जीरो, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, मतलब आई माइनस से I2 को आपको यूज करना है एज अ एनोड, और Cl2 से Cl- को यूज करना है एज अ कैथोड। तो कैथोड माइनस एनोड करोगे तो कैथोड की वैल्यू Cl2 वाली होगी, मतलब 1.36। माइनस एनोड पे आपका आई माइनस वाला वैल्यू होगा, जिसमें आई माइनस से I2 में ये कन्वर्ट होगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.54, तब लिखोगे 0.54 और इसी को कर दोगे सॉल्व, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको माइनस करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 0.82, इतना हो जाएगा इसका EMF। चलिए इसका डी पार्ट है, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जहां पे जब आप केमिकल रिएक्शन कराते हो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मतलब ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। और जो इलेक्ट्रोलिटिक है इसका उल्टा काम करता है, यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो एनोड से होता है कैथोड की तरफ, यहाँ पे कैथोड से होता है एनोड की तरफ, यहाँ करंट पास होगा कैथोड से एनोड की तरफ, यहाँ पे करंट चलता है एनोड से कैथोड की तरफ। यहाँ पे जब रिएक्शन होता है तो हाफ सेल जो होगा एनोड वाला, वहां पे कंसंट्रेशन आयन का बढ़ता है, कैथोड वाले में कम होता है। यहाँ पे उल्टा होगा, जो एनोड वाला कंटेनर होगा वहां पे आयन्स कम होगा, कैथोड वाले में बढ़ेगा। मतलब सारा उल्टा हिसाब होता है, तो यहाँ से कोई भी दो डिफरेंस आप लिख सकते हो। चलिए ये हो गया सेक्शन डी, अब हम लोग चलते हैं सेक्शन ई पे। तो सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाई इज Ce4+ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप जानते हैं कि जो सीरियम है वो आपका लैंथेनाइड सीरीज का आता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58। और लैंथेनाइड सीरीज में जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना होता है, +3। अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, मतलब ये +4 से आसानी से +3 में कन्वर्ट हो सकता है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है तो रिएक्शन कौन सा होता है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो बिहेव कैसे करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि Cm4+ आसानी से Cm3+ में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए बिहेव करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका बी पार्ट है, व्हाई द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज सीन इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड। अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव शो करना है तो आपको करना क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है, मतलब इसके साथ कोई ऐसा एलिमेंट बाइंड होना चाहिए जो इसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिसीव कर ले। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन रिसीव होगा उतना ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये मेटल शो करेगा। एंड द एलिमेंट विच रिसीव द इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो दो एलिमेंट है वो है फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्साइड और फ्लोराइड के केस में ही कोई भी मेटल सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेता है। इसका सी पार्ट है, आउट ऑफ स्कैंडियम क्रोमियम निकल टाइटेनियम विच वन एग्जिबिट द मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे क्या होगा, जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d1 4s2। अगर +3 स्टेट में लिखोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, ये सब वैकेंट हो जाएगा, मतलब एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम को मिल जाता है। क्रोमियम लिखोगे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन 3d3 बचेगा।
अगर आप निकल लिखोगे, निकल 28 होता है, 3D8 4S2। अगर थ्री स्टेट में लिखोगे इसको तो 3D7 कॉन्फिगरेशन आएगा। अगर टाइटेनियम लिखोगे, स्कैंडियम टाइटेनियम मतलब 22, तो आएगा 3D2 और 4S2। यहाँ पे भी प्लस थ्री स्टेट में लिखोगे तो 3D1 बचेगा। मतलब सबसे स्टेबल कॉन्फिगरेशन यहाँ पे स्कैंडियम शो करेगा, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चले जाएंगे, इसलिए आपको लिख देना है स्कैंडियम। इसका डी है, राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर पोटेशियम पर मैग्नेट विद ऑक्सलेट आयन इन एसिडिक मीडियम। चलिए, यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट का रिएक्शन ऑक्सलेट आयन के साथ कराना है एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है MnO4-, और ये चेंज होगा किसमें, Mn2+ में। और ऑक्सीजन यहाँ पे चार है, तो आपको लिखना होगा 4 वाटर। और जब ऐसा करोगे तो इधर 8 हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 8H+। अब दोनों तरफ चार्ज बराबर करोगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 5 इलेक्ट्रॉन। ये तो पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा, इसका रिएक्शन किसके साथ कराना था, ऑक्सलेट के साथ कराना था। ऑक्सलेट यूज कर लो, C2O4 पे 2-, और ऑक्सलेट आपको पता है कन्वर्ट किसमें होता है, CO2 में। अब ऑक्सलेट में यहाँ कार्बन 2 है, तो इसको 2 करोगे, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, ये सब कुछ बैलेंस हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, ये हो गया। अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ना है आपको, और जब इनको ऐड करोगे तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का काउंट सेम होना चाहिए, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए इस पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई करना है 2 से, और इस वाले में मल्टीप्लाई करना है 5 से, फिर दोनों को जोड़ देना है। तो पहला वाला रिएक्शन लिखोगे मल्टीप्लाई करके, 2 MnO4- + 16H+ + 10 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू 2Mn2+ + 8H2O। दूसरा लिखोगे 5C2O4 पे 2- चेंज इनटू 10CO2+ 10 इलेक्ट्रॉन। अब इन्हीं दोनों को जोड़ दो, आपको ओवरऑल रिएक्शन इसका क्या होगा मिल जाएगा। ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है, यहाँ लिखोगे 2Mn4- + 5C2O4 2-। यहाँ पे H+ 16 है, इधर एच प्लस है नहीं, तो आपको 16H+ लिखना है, चेंज इनटू 2Mn2+ + 10CO2+ 8H2। ये पूरा बैलेंस रिएक्शन हो गया इसका। हम लोग चलते हैं अगले पे, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हो 4f ऑर्बिटल में, तो 4f ऑर्बिटल से पहले यहाँ पे 5d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 6s में इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, अब एक्स्ट्रा जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं आप 4f में ऐड करते जाते हो। और यहाँ पे साइज को डिफाइन कौन करता है, जो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन है वो। अब जैसे जैसे यहाँ पे 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हो तो ये क्या करता है, इस न्यूक्लियस को शील्ड करता है। लेकिन 4f का जो शेप है वो शेप होता है इरेगुलर, और इस इरेगुलर शेप की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इसकी होती है पुअर, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ये 6s के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी साइज हो जाती है डिक्रीज। इसी को हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो जब आपसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाएगा क्या होता है, तो आपको सीधे लिखना है, द शेप ऑफ द एफ ऑर्बिटल इज इरेगुलर, सो इट काजेस पुअर शील्डिंग इफेक्ट, एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट द इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस विद द आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो द साइज डिक्रीजेस। इसी को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। एफ कह रहा है ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। वाई, तो गुड कैटलिस्ट के लिए आपका की पॉइंट है कि आपको लिखना है कि जो मेटल होता है वो शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इसके साथ कुछ और पॉइंट आप लिखना चाहते हो तो वहां पे लिख देना कि इसकी जो साइज है वो होती है बहुत छोटी। छोटी साइज होने से फायदा क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है। सरफेस एरिया लार्ज होगा तो क्या होगा, वहां पे एक्टिव साइट्स ज्यादा क्रिएट होते हैं, इसलिए ज्यादा एलिमेंट्स को या ज्यादा कंपाउंड को अपने सरफेस के ऊपर बाइंड करा के रिएक्शन को प्रमोट करता है। तो ये पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर 31। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 में ए पार्ट है, व्हेन 1.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन वाज रेज्ड फ्रॉम दिस टू दिस, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। केबी की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे सबसे पहले एलिवेशन चेक कर लो कितना हुआ है, तो जब इसमें से इसको आप माइनस कर लोगे तो एलिवेशन मिल जाएगा, और ये माइनस करने पे आएगा 0.7 केल्विन। ठीक है, अब आप यहाँ पे यूज करोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला,
जिसमें आप लिखते हो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी, नीचे आता है डब्ल्यू ए, ऊपर आता है 1000, इसी को यूज करना है। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू 0.7 है, के बी की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर रखा है 2.52 इंटू डब्ल्यू बी, यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट है 1.5 ग्राम इंटू करना है 1000, एम बी आपको बताना है, डब्ल्यू ए मास ऑफ द सॉल्वेंट यहाँ पे दिया हुआ है 90, इसी को आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से एम बी लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2.52 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 0.7, और इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 60। तो 60 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो जाएगा, यही कैलकुलेट करना था। इसका बी पार्ट है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वो सॉल्यूशन, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस। इसको आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जब परसेंटेज और डेंसिटी से हम निकालते हो मोलैरिटी, तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यही आपको कर देना है। तो परसेंटेज इसका है 68, डेंसिटी इसका दिया है 1.504, 10 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे मोलर मास लिखना है नाइट्रिक एसिड का जो कि 63 होता है। जब इसको पूरा आप सॉल्व कर दोगे तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा, तो यहाँ से मोलैरिटी इसकी मिलती है 16.23 m, ये इसका हो जाएगा आंसर। इसका सी पार्ट है, विच इज द बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू मेजर द मॉलिकुलर मास ऑफ बायो मॉलिक्यूल। अब बायो मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालने का मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे किसी मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालने जा रहे हो जो साइज में बहुत बड़ा है, यानी पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं। तो आप यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन का चांस बनता है। तो अगर टेम्परेचर डाउन कर दोगे तो एसोसिएशन हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डिसोसिएशन हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं जहां पे टेम्परेचर का चेंज हम नहीं करते। तो आपके पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर में टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड होता है बायो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। इसी का आर पार्ट है, उसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला ए बी टू एंड ए बी फोर व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, 1 ग्राम ए बी टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2.3 केल्विन एंड 1 ग्राम ऑफ ए बी फोर लोअर इट बाई 1.3 केल्विन, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट बेंजीन का दे रखा है। तो कह रहा है कि आप एटॉमिक मास ए और बी का बता दो। अब इसका एटॉमिक मास अगर हम ए मान लें, इसका बी मान लें, तो ए बी टू के लिए जो मोलर मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस टू बी। इस वाले के लिए मोलर मास क्या हो जाएगा, ए प्लस फोर बी। अब इसी को जब यूज करोगे दो अलग अलग रिलेशन बनेंगे, उन्हीं को सॉल्व करोगे तो आपको ए और बी का एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे डिप्रेशन या फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इन टू डब्ल्यू बी बाई एम बी, यहाँ पे आएगा डब्ल्यू ए, ऊपर आता है 1000, इसी को यूज करना है। तो चलिए अभी मैं पहले कंडीशन के लिए लिख रहा हूँ, यानी ए बी टू के लिए। इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 2.3, ये इक्वल होगा इसका जो अमाउंट यूज किया 1, ऊपर 1000 आएगा साथ में, नीचे मोलर मास इसका लिखेंगे ए प्लस टू बी, और जो यहाँ पे गिवन मास होगा सॉल्वेंट का वो आपको लिखना है 20 ग्राम, ये 20 ग्राम हो गया। साथ में के एफ से मल्टीप्लाई करना है और के एफ की वैल्यू है 5.1, तो यहाँ पे लिख दोगे 5.1। यहां से जब a प्लस टू बी निकालोगे तो a प्लस टू बी इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 5.1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 2.3, और ऐसा करने पे जो इसका आंसर आ जाएगा वो होगा 110.87, ये होगा रिलेशन नंबर 1। सेम ऐसे दूसरा चेक करेंगे, यहाँ 2.3 की जगह इन्होंने दिया हुआ है 1.3, अमाउंट इसका भी लिया हुआ है 1 ग्राम, और इसका जो अब मोलर मास होगा वो होगा a प्लस फोर बी, और इसको भी 20 ग्राम में ऐड किया गया है, इसका भी के एफ 5.1 ही रहेगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा ए प्लस फोर बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे मिलता है 196.15। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, इन्हीं दोनों को सॉल्व कर देना। अगर पहले में से दूसरे को हम माइनस कर दें, या फिर दूसरे में से पहले को माइनस कर लो, बात एक ही है। तो ये दूसरा इसके नीचे पहला लिख देता हूँ, 110.87। तो अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ए कैंसिल होगा, यहाँ पे 2b इक्वल टू आपको मिल जाता है 85.28,
मतलब बी की वैल्यू मिल जाएगी 42.64, ये पहले का आंसर हो गया। और जब बी मिल जाएगा तो आपको ए मिल जाएगा, ये सेकंड रिलेशन से आप लिख सकते हो ए इक्वल टू 110.87 माइनस 2b, और 2b की वैल्यू अभी आपने बताया 85.28, और इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 25.59। ये हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ ए, दिस वन इज द एटॉमिक मास ऑफ बी, और ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी का बी पार्ट कह रहा है व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, आपके पास एक कंटेनर होता है जिसमें आपने दो अलग अलग सोल्यूशन को सेपरेट किया होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा होगा उधर से सॉल्वेंट, जहां सॉल्वेंट कम होता है उसकी तरफ मूव करता है, तो इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। और जब सोल्यूशन साइड मतलब कंसंट्रेट सोल्यूशन जिधर होगा उधर कुछ प्रेशर अप्लाई कर देते हो जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए, तो उसी प्रेशर को हम लोग बोलते थे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां तक की कहानी ठीक है। अगर आपने इस प्रेशर से प्रेशर को थोड़ा सा भी ज्यादा कर दिया तो फिर क्या होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है, मींस फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन रीजन, और इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, यहाँ पे इट इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, और ये कब होगा, वेन द प्रेशर अप्लाइड टूवर्ड्स द सोल्यूशन साइड इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हो जाएगा। इसी का सेकेंड पार्ट है आउट ऑफ 1 m NaCl एंड 1 m Na2SO4 विच सोल्यूशन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है, मतलब जिसका एलिवेशन ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, और एलिवेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, आई फैक्टर के ऊपर, जिसका आई फैक्टर ज्यादा होगा उसका एलिवेशन ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आई है वो 2 होगा और यहाँ पे जो आई की वैल्यू होगी वो 3 होगी, नंबर ऑफ आयंस आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आई ज्यादा होगा इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा, इसका आंसर लिख देना है Na2SO4। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ डू यू कन्वर्ट प्रोपेनामाइड इंटू इथेनामाइन, गिव द नेम ऑफ द रिएक्शन। प्रोपेनामाइड मतलब CH3CH2CONH2, और इथेनामाइन मतलब हो गया CH3CH2NH2। ये एक स्टेप का रिएक्शन है जिसमें आप इसको ट्रीट कर देते हो Br2KOH के साथ, और इस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो दिस वन इज द हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें जब इसको ट्रीट करते हो Br2KOH के साथ ये CO हट जाता है और अमाइन आ जाता है। इसका बी पार्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Kb, Kb के बेस पे अरेंज करना है। यहाँ पे आप ध्यान देना है PKb नहीं लिखा है, नहीं तो आप लोग आंसर PKb के फॉर्म में लिख के आ जाओगे। Kb जिसका ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, याद रखना, और PKb लिखा होता तो फिर उल्टा हिसाब हो जाता। अब यहाँ पे इन्होंने सोल्यूशन मेंशन नहीं किया है, जब सोल्यूशन मेंशन नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, गैसेस स्टेट में आंसर लिखेंगे, और गैसेस स्टेट में 3 डिग्री का जो बेसिसिटी होता है सबसे ज्यादा होता है, देन द 2 डिग्री, देन द 1 डिग्री, इसी बेस पे लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा ये, इसलिए Kb इसका सबसे ज्यादा होगा, देन द 2 डिग्री, देन द 1 डिग्री, और जो यहाँ एनिलीन है उसमें जो बेंजीन होता है वो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, इसलिए चौथा नंबर इसका आ जाएगा। और अगर ये सोल्यूशन लिखा होता तो फिर ये ऑर्डर चेंज हो जाता, अभी सोल्यूशन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपसे बेसिसिटी पूछता है ना वो सोल्यूशन के केस में ही पूछता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये भूल गए हैं लिखना, सोल्यूशन केस में ही पूछते हैं। सी पार्ट है इसका राइट द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट एरोमेटिक सेकेंड एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन विद नाइट्रस एसिड। जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो एरोमेटिक अमाइन का, तो एरोमेटिक अमाइन जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है डाई एजोनियम सॉल्ट, यहाँ पे नाइट्रस एसिड लिख देते हैं और बना देते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट N2+Cl-। ठीक, अगर यही काम आप एलिफैटिक के साथ कराते हो तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बनता तो यहाँ पे भी डाई एजोनियम सॉल्ट है लेकिन वो डाई एजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता, उसकी हो जाती है हाइड्रोलिसिस और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कोहल में। तो जब भी किसी एलिफैटिक का आप डाई एजोनियम सॉल्ट बनाओगे तो आपको सीधे उसको कन्वर्ट किसमें करना होता है, एल्कोहल में, इसलिए बन जाएगा ये CH3OH। और यहाँ पे इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा आपको हाइड्रोलिसिस करानी पड़ती है, यहाँ पे करानी नहीं पड़ती। अब इसका और पार्ट है राइट केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल लिखोगे इस तरीके से, यहाँ पे आपको टर्मिनल पे ये ग्रुप दिख रहा है,
जो कि आइडोफार्म टेस्ट शो करता है। तो लिख सकते हो यहाँ पे आइडोफार्म टेस्ट का ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, फिनाल आइडोफार्म शो नहीं करता। या फिर आप फेरिक्लोराइड टेस्ट लिख देना, जो फिनाल शो करता है ये शो नहीं करेगा। तो आपके पास दो चार आंसर कुछ भी लिख सकते हो। सेकेंड है मिथाइल अमाइन एंड डाई मिथाइल अमाइन, दिस वन इज द 2 डिग्री, दिस वन इज द 1 डिग्री। 1 डिग्री वाला हमेशा शो करता है कौन सा टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। जब इसको ट्रीट कर देते हो सी एच सी एल थ्री एलॉन्ग विद के ओ एच के साथ, तो ये बनाता है आइसोसाइनाइड, जो कि एक बैड स्मेलिंग मटेरियल होता है। तो उसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे, तो 1 डिग्री आइडेंटिफाई हो जाएगा कार्बाइल अमाइन टेस्ट से, डाइथाइल अमाइन ये रिएक्शन शो नहीं करता। अगला है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉलिबिलिटी के लिए जो भी मटेरियल आप यूज करोगे उसका वाटर के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, और अमाइन वाटर के साथ इंटरेक्शन शो करता है किस फॉर्म में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म में। द मटेरियल विच शो मोर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। अब यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी में आप चेक कर लो, जो प्राइमरी वाला होगा उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसलिए सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। यहाँ पे 2 डिग्री है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये कम बना पाएगा, इसलिए इसका नंबर कम आ जाएगा। और जो बेंजीन है, बेंजीन आपका होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इस वजह से आसानी से वाटर सॉल्युबल ये नहीं होगा, इसलिए इसका नंबर आ जाएगा 3। इसका सी पार्ट है कंप्लीट द रिएक्शन। तो जब आप एनिलीन का रिएक्शन कराते हो Br2 के साथ, तो Br2 के साथ इसका रिएक्शन दो कंडीशन में होता है। Br2 के साथ या तो आप CH2 यूज करते हो यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट, या फिर आप वाटर यूज करते हो पोलर सॉल्वेंट। जब आप पोलर सॉल्वेंट यूज करते हो तो यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। अभी यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है, इसलिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको बना देना है, इसलिए आर्थो पैरा सभी पोजीशन पे आपको लगा देना है ब्रोमीन। तो यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे इसको लिखते हो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये बन जाएगा। यहाँ पे भी एनिलीन का आपको रिएक्शन करना है एसिटिक एनहाइड्राइड से, और ये कराता है एनिलीन का एसिटाइलेशन। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो एनिलीन है उसका एक एच हटा देना है और लगा देना है यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप। ये हो गया पूरा पेपर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो दूसरे पेपर के साथ आएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।